के पीएस फाउंडेशन के सुपर टॉप कार्यकर्ताओं से जो जानेंगे कि आखिरकार डेवलपमेंट कितना किया है उन्होंने। राज प्रदीप शर्मा पुलिस लाइन से आके पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्या हैंडल कर पाएंगे, जनता का प्यार मिलेगा, समस्या को कितना समझते और हल कर पाएंगे, इनके उन्हीं के कार्यकर्ताओं से बात करते और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। नमस्कार। नमस्कार। राजनीति और पुलिस दो अलग चीजें होती है। प्रदीप शर्मा जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है महाराष्ट्र स्टेट में पुलिस में। अब राजनीति क्या लगता है आगे क्या होगा? ऐसा है, आपका सवाल सही है कि राजनीति और पुलिस, लेकिन हमें आज प्रदीप शर्मा साहब के साथ पीएस फाउंडेशन में हम काम करते आए तो हमें उनका नजदीक से हमने देखा कि वो डिपार्टमेंट के साथ एकदम वफादारी से काम करते आए इतने सालों से। और मुंबई में गैंगवार एक जमाने में बड़े पैमाने पे था तो उनको यहाँ से खदेड़ दिया, उन्होंने भगा दिया, मुंबई को शांत किया। तो एक नेक ऑफिसर उनके बीच में हम आज काम करते रहे, हमें भी आज उनके बारे में गर्व है और आज राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, उनके साथ कदम पे कदम मिलाते हम आज नाना सोबारा में एंट्री किए। तो आज लोगों के बीच में आते ही हमको ऐसा महसूस हुआ कि लोग खुद होके चाहते कि नहीं साहब हमारे बीच में रहे, क्योंकि साहब को उन्होंने सुना था लेकिन अब देखा देख रहे कि यस वो सामने आते ही जो यहाँ के गुंडे हैं, जो यहाँ के दहशत गर्दी है, जो लोगों को दबा के रखे हुए, तो उन लोग खुद ही पलायन कर चुके हैं यहाँ से साहब के आगे। तो जरूर आपकी रही बात दूसरे विकास की, तो लोगों का प्यार अगर सर आंखों में बोल दे तो साहब जरूर यहाँ पर विकास करेंगे। पैसे लेते थे प्रदीप शर्मा जी, सवाल उठते हैं बैकग्राउंड पे, नेगेटिव प्रश्न भी होते हैं, लांछन भी लगते हैं, अभी राजनीति में होगा क्या आंसर है, कैसे डील करते हैं हम? जो लोग खुद भ्रष्ट है तो उनके सामने क्या सवाल खड़ा करना, वो ऐसे आरोप लगाते रहेंगे आरोप से पुराव के साथ। साहब ने कभी भी हमेशा सब ढंग के चोर पे बोला है कि जो भी आरोप लगाए तो पुराव के साथ सामने हो। कुछ ऐसा डेवलपमेंट बताइए जो पीएस फाउंडेशन 5 सालों से है, आप लोग शुरू से जुड़े हुए फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कोई ऐसी बातें ऐसा काम जो आपने किया जो जिसकी आज भी तुती बोलती हो, लोग प्रशंसा करते खुश है आपको सराहते, कुछ ऐसे क्या बताइए? नमस्कार। पीएस फाउंडेशन 5 साल से अंधेरी विधानसभा में काम कर रहा है, उसी माध्यम से पीएस फाउंडेशन ने आज की तारीख में 30,000 महिलाओं को माननीय प्रदीप शर्मा साहब के नेतृत्व से मिला। हर एक मिडिल क्लास लोग है, टीचिंग क्लास है, बाद में स्कूल की जो समस्या है तो स्पीकिंग क्लास होता है ना, कंप्यूटर क्लास, जो भी समस्या है साहब ने सही दिल से सबको सपोर्ट किया है। रही बात डेवलपमेंट की, और नाला सोपारा में आज तक 35 साल में डेवलपमेंट हुआ नहीं, और माननीय प्रदीप शर्मा साहब के नेतृत्व में जिस दिन साहब ने पैर रखा है हम लोग ग्राउंड लेवल पे घूम रहे हैं। लोगों की मांग एक ही है, माननीय प्रदीप शर्मा साहब लोगों की समस्या का हाल दूर करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। साहब का एक ही कहना है नॉन करप्टेड, जो दर्शक पहले रहे उनको यहाँ से भगाएंगे और लोगों को काम देंगे। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लोगों को रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। साहब आने से यहाँ पे डेवलपमेंट रहेगी, MIDC आएगी, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। साहब का एक ही सिद्धांत है कि लोगों को काम मिलना चाहिए, लोगों के चेहरे पे हंसी होना चाहिए, बस यही माननीय उद्धव साहब ने उनको यहाँ पे भेजा है। देखो आरोप तो होते रहते हैं, राजनीति है, लेकिन आरोप से डरने का नहीं है। साहब अपना कदम रखे है, इसके लिए गुंडे लोग घबरा गए। आप कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतनी प्रॉब्लम है, गुंडे हैं, तक आपने कहा
इतने दशकों से एक ही पार्टी को वसई नाला सुपार विरार की जनता जिता रही है। अगर जनता जिता रही है इतने सालों से, अब ऐसा क्या होगा कि जनता प्रदीप शर्मा जी के पक्ष में वोट करे? बात ऐसा है, लोग दर्शक के बारे में वोटिंग करते हैं। गरीब लोग उत्तर भारतीय है, महाराष्ट्र में कोकण समाज के है, ये क्या है, झगड़ा नहीं चाहते। ये लोग कैसे इनका दर्शक है, हम वोटिंग करो नहीं तो तुम्हारा घर गायब करो। अभी माननीय प्रदीप शर्मा जी आने की वजह से लोगों की एक आनंद उत्सव है, जो हमारे उत्तर भारतीय है, महाराष्ट्र लोग है, आगरी कोली लोग है, उनमें एक कैसा हो गया उत्सव है कि भाई कोई तो हमको एक भाई के जैसा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया है। देखो साहब का सिद्धांत धारण का नहीं, लोगों को समस्या का हल करने का, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पे जो रोजगार है, अभी वसई में रहने वाला आदमी बॉम्बे में नौकरी के लिए जाता है, उसको यहाँ पे लोकल काम होना चाहिए। आज यहाँ पे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, रोड सेटिंग का प्रॉब्लम भी नहीं, पानी का प्रॉब्लम नहीं, बहुत है, पानी लोगों को मिलता नहीं, टैंकर वहाँ पे है, लोगों को पानी भेजता है, इन्होंने इनलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए, हजारों एकड़ जमीन कब्जे किए लोगों का, ये कहाँ से आया सब? जनता का ही है ना, ये अपना घर से तो नहीं पैदा किया। इसीलिए साहब ने चुना है नाला सोपारा मतदार संघ, यहाँ पे हमारे बॉस 100% बहुमत से जीत के आएंगे, यही मैं जीवदानी से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद महाराष्ट्र। आखिरी क्वेश्चन आपसे, ठीक है, जीवदानी माता और वसई विरार की जनता का प्यार आपसे मिलेगा, ठीक है, जीवदानी माता और वसई विरार की जनता का प्यार आपसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। साहब ने कहा ही है कि जिस दिन मैं दर्शन लिया उस दिन से मैं जीवदानी से एक ही मांगा है कि बात मेरे हाथों से होगा समाधान होगा, तो इसके लिए जीवदानी माता का हाथ और आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है। अगले नवरात्र में प्रदीप शर्मा जी एमएलए के रूप में पक्का डन? 110%। और जैसे कि अभी आपने एक सवाल किया था कि पीएस फाउंडेशन में, पीएस फाउंडेशन टीम, तो पिछले 5 सालों से हम जो प्रदीप शर्मा सर के साथ में जुड़े हुए उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 5 साल में, जबकि हमारे माननीय श्री प्रदीप शर्मा साहब एक डिपार्टमेंट से रहे हुए इंसान थे, फिर भी उन्होंने अपनी एक एनजीओ खोली जिसका नाम पीएस फाउंडेशन के रूप में रखा गया, और उस पीएस फाउंडेशन के माध्यम से हमने सबसे पहला जो विशेष परिक्रम रखा वो महिलाओं के लिए रखा। उनके लिए हमने पीएस फाउंडेशन के माध्यम से हमारे साहब के नेतृत्व में, शर्मा साहब के नेतृत्व के अंदर हमने लेडीज़ लोगों के लिए सिलाई मशीन क्लासेस खोली मुफ्त में, उसके बाद हमने फ्री कंप्यूटर क्लासेस ओपन की वो भी मुफ्त में, फिर हमने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ओपन की, उसके बाद हमने हमारे अंधेरी विधानसभा में 6 खाद्य भंडार की दुकानें खोली, जिसमें जो डी मार्ट में सबसे, जहाँ तक कि मुझे पता है कि सबसे सस्ता होलसेल आज के डेट में डी मार्ट में ही मिलता है, पर हमारे साहब ने जो खाद्य भंडार पीएस फाउंडेशन के माध्यम से अंधेरी विधानसभा में खोली है वो डी मार्ट से भी 40% डिस्काउंट हर गरीब लोगों के घर तक वो धान्य पहुँचे और उनको उस चीज़ की राहत मिले, ये एक उपक्रम किया है। और उसी उपक्रम की वजह से आज हमारे पीएस फाउंडेशन में दिन से हमारे पास आज 30,000 से 35,000 महिलाएं हैं जो हमारे पीएस फाउंडेशन में हमारी सभासद बनी है, और युवाओं की तो कुछ उम्र वो 50 से 70 हज़ार के लगभग युवा भी हमारे इस पीएस फाउंडेशन में सभासद है, और हम बड़े नसीब वाले हैं और अपने आप को नसीब वाला समझते हैं कि आज हम पीएस फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं, और हमको सामने अपने एक परिवार की तरह रखा है, समझा है और समझते हैं। इसीलिए आज जब साहब का इस नाला सुपारा विधानसभा में एक उम्मीदवारी करके डिक्लेयर हुआ, तो हमको सबसे पहले हमारे माननीय आदरणीय प्रदीप शर्मा साहब ने बोला कि ये मेरे जो फाउंडर मेंबर है, ये जो मेरा परिवार है, ये वहाँ पर मेरे नेतृत्व में जैसे हमने पीएस फाउंडेशन को यहाँ पर बढ़ाया है, लोगों के बीच में जाके लोगों के साथ में अच्छे काम करके उनकी समस्याओं को समझ के, उसी तरह हमें नाला सुपारा में भी ये काम करना है, क्योंकि अंधेरी से ज़्यादा यहाँ पर नाला सुपारा में लोगों को पीएस फाउंडेशन की ज़रूरत है। उम्मीदवार तो साहब 110% ही बनेंगे,
उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ की समस्या अंधेरी के विधानसभा की समस्या से बहुत ज़्यादा है। यहाँ जैसे कि हमने देखा, सर्वे किया, यहाँ गटर के काम है, लाइट स्ट्रीट नहीं है रोड पे, जिससे अपने माताओं बहनों को बुजुर्गों को सीसीटीवी ना होने के कारण उनको तकलीफ होती है, छेड़छाड़ होती है, लूटमारी होती है। यहाँ पे रोडों के काम नहीं बराबर, पानी में खड्डा है क्या खड्डे में पानी है वो भी पता नहीं चल रहा है, कई लोगों के घर पट्टी अभी तक नहीं मिली है। और सबसे बड़ा सवाल तो इस विधानसभा में ये है कि आज यहाँ पर लोग 15-20 साल से रह रहे, लेकिन अभी तक लोगों के मतदार संघ में उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम तक नहीं है। ऐसा गुंडा राज यहाँ चल रहा है, और इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए सरकार ने भी ये मान लिया है कि बस यही एक चेहरा है पीएस फाउंडेशन के प्रमुख मार्गदर्शक को या संस्थापक को प्रदीप शर्मा सर, क्योंकि यही वो चेहरा है जो यहाँ के लोगों में जो डर बैठा है और जो दहशत के नीचे जो अपने घरों से नहीं निकल रहे, वोट नहीं कर पा रहे, उनका मतदार समूह में उनका नाम नहीं है, तो ये समस्या है। सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है प्रदीप शर्मा सर, और वो बहुत जल्दी 21 तारीख को इस रूप में देखने मिलेगा। मैं जनता से बस यही निवेदन करूँगा कि आप अगर खुला समर्थन नहीं भी कर पाओ, बस सबके मन में तो यही है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और वो जरूर होगा। ये 24 तारीख को पूरी जनता देखेगी। बस कमल, बस जिस दिन वोटिंग रहे उस दिन लोग हमारे कैंडिडेट माननीय प्रदीप शर्मा सर के चिन्ह को, धनुष बाण को बस दिल में और दिमाग में रखे और उसको दबा के उनको बहुमत से विजेता करें। आप तीनों से पूछते हो कि आप मुंबई में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल आपको समझ अच्छी चुकी है, कितना दुख होता है जब लाखों लोग सुबह 7-8 बजे ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, गेट पे लटक लटक के काम के लिए अंधेरी जाते हैं, मलाड जाते हैं, उससे भी आगे जाते हैं। बहुत सालों से ये प्रॉब्लम है, टैलेंट है, यूथ है, सब कुछ है, काम नहीं है, कैसे हैंडल करेंगे? ऐसा है, आपका सवाल लाजमी है। वाकई ट्रेन से भर भर के लोग बाहर लटक के मुंबई की तरफ रोजगार के लिए जाते हैं। अगर यही 35 साल में यहाँ पर शासित राज्य जो कर रहे चला रहे उन्होंने इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया होता तो मुंबई की तरफ कोई नहीं वापस आता। कितनी मौतें हो चुकी है ट्रेन से, ये दिन के मिस काम पे जाना जरूरी है, मौत के साथ खेलते हुए लोग मुंबई की तरफ जाते हैं। कहना दुर्भाग्य है कि सही में जो नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि नाम लेना भी गलत है ऐसे लोगों का, इन्होंने वाकई ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आज उनके ऊपर ध्यान देने के लिए एक शख्स नाला सोबा का विधान में आ चुका है और उनका नाम है रवि शर्मा सर। लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी विश्वास रखा है कि ये जरूर हमारा रोजगार का मसला जो है वो पहले सॉल्व करेंगे और वो होगा। कार्यकर्ताओं से बात की, उत्साह है, उम्मीद है और विश्वास है कि प्रदीप शर्मा जी आएंगे, प्रॉब्लम्स का एनकाउंटर होगा, देखते हैं जनता का प्यार मिलता है कि नहीं प्रदीप शर्मा जी को। अमित शाह, मुंबई, सुप्रीम टीवी।